पद्मिनी द्विवेदी, आपका अपने चैनल ईशा किचन में एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपको बचे हुए चावल से एक फ्रेंड्स चावल जब भी घर में बनता है तो अक्सर बच जाता है, अधिकतर बच जाता है, तो या तो उसको खा लिया जाता है, याद रहा तो उसको यूज़ कर लिए, बाई चांस ऐसा होता है कभी कभी भूल गए कि अगर चावल भी रखा है सुबह का शाम तो वो फेंका ही जाता है, फिर या गाय को डालो या तो फेंक दो। तो चलिए, आज के बाद अब आप कभी भी चावल बचेगा तो आप लोग फेंकेंगे नहीं। ये डिज़र्ट जो है बहुत ही डिलीशियस है, आप एक बार बनाएंगे तो बार बार चावल खुद बचाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको एक जार लेना है और उसमें ये बचा हुआ चावल है, एक कप चावल ये ले लीजिए। अब एक कप दूध, टोटल दूध दो कप लगेगा। अभी हम इसे मिक्स करने के लिए चन करेंगे चावल को, तो उसमें हम एक कप दूध डालेंगे और इसे मिक्सर में चला लेंगे एक बार। तो फ्रेंड देखिए, ये हो गया है। अब हमको क्या करना है, एक हैवी बॉटम वाला पैन लेना है, कढ़ाई पैन जो भी आप ले लीजिए। फ्रेंड्स, अब आधा दूध हम जो ले रहे हैं इसे क्या मिक्सी में, जिसमें हमने इसको चर्न किया था उसी में डालकर, तो जितना लगा रहता है तो उसको आप फिर से मिक्सी चलाकर एक बार निकाल लीजिए। फ्रेंड्स, अब आधा कप चीनी लेंगे, चीनी आप अपने टेस्ट के अनुसार लीजिएगा, आधा कप चीनी है, इसे भी मिक्स कर लेंगे। अब फ्रेंड्स, ये अमूल की फ्रेश क्रीम है, इसे आप मिक्स कर दीजिएगा इसमें, इससे बहुत ही स्मूथ बनता है, एकदम क्रीमी टेक्सचर रहेगा। तो इसको मिलाकर अब हमें गैस पे इसको चढ़ा देना है। तो फ्रेंड देखिए, इसको गैस पे चढ़ा दिए हैं और इसको कंटिन्यू चलाएंगे और थोड़ा ठीक होने देंगे, थोड़ा गाढ़ा हो तब तक चलाते रहेंगे हम इसको। फ्रेंड देखिए, ये इतना अभी गाढ़ा हो चुका है। अब हमको क्या करना है, गैस को तो धीमा ही रखा है, एक टेबल स्पून हमको ये कॉर्नफ्लावर लेना है और दो चम्मच पानी में इसको घोल लेना है। फ्रेंड, अब ये कॉर्नफ्लावर का जो घोल हमने तैयार किया है, वन टेबल स्पून लिया था और दो चम्मच उसी के बराबर पानी लिया था, दो दो टेबल स्पून, अब इसको डाल के और तुरंत कंटिन्यूटी चलाते रहिएगा कंटिन्यू, नहीं तो ये लग जाएगा नीचे। देखिए फ्रेंड, अब इसी लेवल पे हमको गैस बंद कर देना है, ये एकदम अच्छे से हो गया है। अब गैस बंद करके इसे उतार लेंगे नीचे। फ्रेंड्स, अब इसमें वेनिला एसेंस मिला लेंगे, पूरे में एक टेबल स्पून डालेंगे, अच्छे से मिला लीजिएगा। इसमें आप कोई भी फ्लेवर डाल सकते हैं, हमने वेनिला डाला है। मिक्स कर लिया। तो फ्रेंड, हमने दो पोर्शन में डिवाइड कर लिया है। अब हमको क्या करना है, एक पोर्शन में कलर मिलाना है, आप कोई भी कलर मिला लीजिएगा, हम येलो कलर मिला रहे हैं। और आप रोज़ कलर है, पिस्ता कलर है, कुछ भी आप मिला सकते हैं। ये येलो कलर हमने मिला लिया है। अब इसमें थोड़ा सा मैंगो डालेंगे, मैंगो प्यूरी है, आप कोई भी फ्लेवर डाल सकते हैं फ्रूट का, स्ट्रॉबेरी है, पाइनएप्पल है, कीवी है, जो फ्लेवर आपको चाहिए आप डाल सकते हैं। ये हो गया, अब हमको असेंबल करना है। आपको ऐसा ग्लास लेना है या पुडिंग वाला ले लीजिए, कटोरी भी ले सकते हैं आप, आपके पास अगर ऐसे डिस्पोजल ग्लास है तो ऐसे भी ले सकते हैं, आप किसी में भी असेंबल कर सकते हैं। पुडिंग का जो आता है, पुडिंग वाले बॉल आते हैं, वो भी ले सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इसमें आप एक लेयर इसकी डालिए येलो कलर की, फ्रेंड्स। अब इसको आप फ्रीजर में 5 मिनट एकदम सेट होने के लिए रख दीजिए। तो फ्रेंड देखिए, ये सेट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, इस वाइट वाले को इसके ऊपर, अब वाइट वाले को आपको इसके ऊपर धीरे से पोर कर देना है, वो सेट रहेगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक लेयर अब इसकी लगा लीजिए ऐसे। फ्रेंड्स, अब आपको इसके ऊपर मैंगो क्रश करके, मैंगो जो फ्लेवर में बना रहे हैं आप वो फ्लेवर के का रख लीजिए, आपको डेकोरेशन में आपको अपने हिसाब से जो करना है करिए, पर हम इसमें मैंगो रख रहे हैं, ये आइस क्यूब में था।
इसको ऐसे रख दीजिए। अब थोड़ा सा ये बादाम है जो ग्रेट करके है ये डाल दिया है। फ्रेंड बादाम अभी डाला है, अब ये थोड़ा सा पिस्ता है, इसको अच्छे से क्रश कर लिया है पिस्ते को एकदम से बारीक, और ये डाल दिया इसके ऊपर। अब इसके ऊपर थोड़ी सी मैंगो प्यूरी डाल दीजिए। तो फ्रेंड देखिए ये बन के अब तैयार है। हम तो इसे ठंडा करके खाएंगे, हम जा रहे हैं अब इसे आधे घंटे के लिए आपको फ्रिज में रखना होगा, एकदम चिल्ड तब खाइएगा तो अच्छा लगेगा। आप भी बनाइए ज़रूर और एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बचे हुए चावल, जब चावल बचे तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।